मैंने तहरीक पेश की थी। तहरीक पेश करें। मैं तहरीक पेश करता हूं कि एक रकम जो 12,45,37,43,000 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसलसला लेवीज में बइजाफा 1 रुपया की जाए। मैं तकफीफ किया जाए, इजाफा किया जाए, 1 रुपया इजाफा। जनाब जनाब स्पीकर, जिस तरह अगर आपकी इजाजत हो मैं इस पे बात करता हूँ। तकफीफ हो, तकफीफ करें। मेरा मुतालबा इजाफे की है जनाब स्पीकर। इसमें अगर इजाफा तो नहीं हो, कट मोशन है। इजाफा अगर मुझे तो रूल्स रेगुलेशन का इसमें पता है, इस लिहाज से नहीं है। लेकिन अगर हम 5 से 10% इलाके के लिए 22 अरब रुपये रखने जा रहे, एक ऐसी फोर्स जिसके पास 80 से 90% इलाका इस सूबे का है, और अगर आज भी आप रिकॉर्ड उठा के देख ले जो क्राइम रेट आपका उस एरिया में है जिसके लिए हम 22 अरब रुपये रख रहे हैं, उसके बनिस्बत बहुत कम क्राइम रेट उस एरिया में है जिसके लिए हम 11 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। इस पर पहले भी हमारी बात हुई है। आखिर क्यों जिस फोर्स को हम अपनी फोर्स समझते हैं, जिस फोर्स को हम अपने आप में से समझते हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे, इसको मजबूत करने के लिए, इसको मजीद फैसिलिटीज देने के लिए हमारे पास ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं होती है? जबकि ऐसी फोर्स जिसके मुतलिक रोज रोज सुबह के एक एक कोने से आवाजें उठ रही है कि उसको उठवा लिया, उसको मार दिया, उसको घसीट दिया, वो भी हमारे भाई है, उसको अपने रिवायों पे जरूर तवज्जो करनी चाहिए कि ये क्या रिवाया है जो इस सुबह के लोगों के साथ। इवन कि हमने स्टूडेंट को नहीं बख्शा है, हमने किसी बुजुर्ग को नहीं बख्शा है, हमने किसी सरदार को नहीं बख्शा है, हमने किसी नवाब को नहीं बख्शा है, हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उसके निस्बत ऐसी फोर्स जो रिवायात को जानते हैं, जो क्राइम को कंट्रोल करने में उसका इस सूबे के बड़े हिस्से में उसका हाथ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुतालिबा है कि इसके इस बजट में इजाफा करके इसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। अगर एक एक मेरे पास आया इसको उस एक इजाफे के साथ मन ऐवान में दोनों तरफ के जिस भी दोस्त और भाई के साथ हमारी बात हुई है वो लेवीज के आया असगर खान की तहरीक को लेवीज के हक में, लेवीज के फंड के इजाफे के हक में, तो कम अज कम आज के इस इजाफे के हवाले से भी अगर तरीकेकार मौजूद है इसमें इजाफे के लिए आया तहरीक। सीएम साहब हमारे साथ लीवीज के लिए नेक्स्ट जो जमीनी बजट आएगा उसमें वादा करें कि हम लीवीज को जो बेहतर तरीके पर बेहतर बनाने के लिए हम स्पीकर साहब जी जी हम रास्ता निकाल रहे हैं, आप हंस रहे हैं सर जी, आप हमें भी सुन ले थोड़ा सा। मैं जाम साहब को देख के खुश हो रहा हूँ। एक तहरीक रह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं हम लीवीज के हक में, लीवीज के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट जब बजट हो जाए, बजट अभी पेश हुआ है तो बजट में हम इसको पास करके नेक्स्ट सीएम साहब हमारे कायदेवान बैठे हुए हैं हमारे साथ ये वादा कर लें इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से इसको नेक्स्ट रवां माली साल के दौरान जो जरूरियात होगी उनको पूरा करने के। तो अजगर खान वापस ले लें यार, अजगर खान तो बजट ना काम है। ना हुआ है लेवीज वाला है। नहीं यहाँ तो हमारे पास तो नहीं आया, मुझे दिया है पता नहीं आप उधर आए नहीं, तो हमारे पास तो टेबल तो नहीं है यहाँ। आप अपने गवर्नमेंट को कहना आया तहरीक को मंजूर किया जाए। कितने कट मोशन की तहरीक को मंजूर किया जाए। कही है काम ऐसा करते हैं तहरीक को असल हालत में मंजूर किया जाए। नहीं जनाब स्पीकर, वो तजवीज आ रही है, आप भी अजीब बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। हमारे हुकूमती रुकन ने तजवीज की, हम उसके साथ के लेवीज की
जनाब स्पीकर लेवीज की जो रकम है जो तनख्वाहें लेवीज वालों की वो बढ़ाई जाए, हमने वो तहरीक आमिर साहब में क्यों उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तरीका कार है, जब हमारी कैबिनेट होगा जुलाई में वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस कैबिनेट में ट्रेजरी के फोर में यहाँ असल हालत में मंजूर किया जाए इसको जो उसकी पोजीशन है। तो आप उसको बिठा देना, जो अराकीन असगर खान के साथ हैं वो अच्छा नहीं इसमें नहीं है, आप असल हालत में जो मंजूर नहीं करता है तो वो हाथ कड़ा नहीं करें। आया तहरीक को असल हालत में मंजूर किया जाए, ज़मरू खान आप साथ नहीं है, आपके पार्लियामेंट लीडर नहीं कर, आप असल हालत में मंजूर नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर आगे बढ़ते हैं, वो नहीं हो रहा है, दूसरे पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेविस की जब बात आ जाती है तो फिर तेरी को मतलब आप कम से कम फिर ये कर ले, सेवान को तसली दिला दे कि लेविस के लिए हम करेंगे नेक्स्ट में। तेरी को मतलब बाजी साहब ने दिया नहीं दिया, मलिक नईम साहब ने हक में दिया किस में दिया, आप तेरी के हक में नहीं है। गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए हम गवर्नमेंट के साथ बजट में इकट्ठे हैं। तो मैंने कब बोला? आप एक मिनट सुने, इसको मजाक ना समझे, आप मजाक हर चीज को समझते हैं तो हम बैठ जाते हैं फिर निकल जाते हैं। अगर आप कहते हो, हम कहते हैं कि इसको तरीके से सुने कि अगर रूल्स में है कानून में है तो कर ले, अगर नहीं है तो असगर खान को कह दे कि ये तरीका है फिर हम कर लेंगे। आप नहीं, स्पीकर साहब इस तरह नहीं होते, हम इनके साथ हैं, सुनते नहीं है, जो कहते हैं जो तहरीक ले गए हम उनके साथ हैं। अगर आप रूल्स बता सकते हो तो रूल्स के मुताबिक क्या तरीका है कार, आप बता सकते हैं? आपने सुना नहीं ना क्या है, आप रूल्स बता दे ना, वो बैठे आपके पास सेक्रेटरी बैठा हुआ है, आप रूल्स बता, रूल्स में क्या है, हो सकता है आपको बताता हूं रूल्स, आपको रूल्स के साथ कोट करता हूं, आप बैठे, आपने नहीं, आप रूल्स बताओ सेक्रेटरी साहब क्या है, नहीं है तो फिर बता दे कि नेक्स्ट के लिए हम करते हैं, ठीक है अपने पार्लियामेंट लीडर को बताते हैं कि नेक्स्ट के लिए हम। जी ज़मरो खान साहब बैठ जाएं, जी शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, समझते हैं। वो एक चीज लाया तो आप कह दे कि आप लेते क्यों है इसको, फिर जब रूल्स में नहीं आपने ये क्यों यहाँ पे पेश कर दिया। जनाब स्पीकर अगर रूल्स में नहीं सेक्रेटरी साहब फिर इनकी पॉइंट को आपने क्यों लिया वहाँ पे, उसने पॉइंट दिया कि इस मोशन में अगर है, मतलब एक चीज खान साहब जी शुक्रिया, अगर मैं आपको बताता हूँ रूल सारे बताता हूँ, आप बैठ जाएं। नहीं मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर एक रुपए कम करने के लिए कानून है असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर है उसमें वो नहीं लिखा था, उसने कहा कि इस तहरीक में मेरा नाम शामिल करें, अगर है तो रूल बताओ ना। खान साहब ये आपका चिट्ठे अपना ज़मर खान आप ये आपका चिट्ठे उसमें लिखा हुआ है कि मुझे तहरीक में शामिल किया जाए। देखो स्पीकर साहब इस तरह नहीं चलता है असेंबली, अगर आप ये कहते हैं इनको आप वहाँ पे चैम्बर में बुला लेता, हम आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लेते हैं, आप यहाँ असेंबली में क्यों उसको ले आते हो? जनाब स्पीकर मैं क्यों असेंबली में आपके मेंबर ने दिया, अच्छा ज़मरो खान साहब, अच्छा गजी साहब आप बैठे, मैं ज़मरो खान को बताना चाहता हूँ कि क्या रूल्स हैं, मैंने क्या बात किया। ज़मरो खान आपने सुना नहीं है, मैंने कहा कि क्या असल हालत में मंजूर किया जाए, मैंने नहीं 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 उसको खत्म किया, देखिए उसको खत्म किया, मैंने कहा कि असल हालत में मंजूर किया जाए, किसको उन्होंने नोटिस दिया, मैं किसी का वो कट, उसने कट मोशन का दिया था, उसने कहा तहरीक में मेरा नाम डाल दें, असेंबली से बाहर हम इसको हल कर लेते, आप बात कर लेते ना, आपका पार्लियामेंट लीडर ने आपको एतमाद में नहीं लिया तो मेरा कसूर नहीं है, हम आपका पार्लियामेंट लीडर ने आपको एतमाद में नहीं लिया, इसमें असेंबली का कोई कसूर नहीं है। अपना कह के बात ऊपर करे यार, देखे ज़मरो खान वो आपका पार्लियामेंट लीडर है, उसने आपको एतमाद में नहीं लिया, वो उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, और मैंने असल हालत वाली बात की है। आप देखो कानून में अगर है रूल्स में है कि ज्यादा हो सकता है, वो कानून बता दे फिर ज्यादा, कानून में यह है कि तहरीक में मुझे शामिल किया जाए तो तहरीक में उसमें नहीं लिखा है, कट मोशन है, इजाफा है, वो बोल सकता है शामिल, आप क्यों आप स्पीकर मैं अर्ज करूं बिल्कुल मैं अपने बात कर ले फिर मैं बैठता हूँ एक मिनट
मैं एक बात सही है नहीं की जा सकती है जनाब स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 121 का जूज अलीफ आप देख ले। मैंने उसकी तेरी कोई बात नहीं कर, उसके इजाफे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा। फाइनल मिनिस्टर साहब, मैंने उसकी तेरी के लिए वोट नहीं किया, मैंने असल हालत में वोट किया। उसमें हम अगर पार्लियामानी लीडर कहते हैं कि निकलो हम निकलेंगे भी, अगर कहते हैं बैठ जाओ हम बैठेंगे भी, हम तो एक साथ है पार्टी। एक दफा हाथ ऊपर करो नहीं करो, ये कौन सा तरीका है? इस तरह तो नहीं चलेगा। पहले अगर हमारे ट्रेजरी बेंचेस से कोई भी चीज आती है वो हम असेंबली से बाहर हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पेश नहीं होना चाहिए। आप इसको तहरीक में क्यों शामिल कर दिया? मुझे पता नहीं था कि पार्लियामेंट लीडर ने आपको इत्मीनान नहीं लिया। एक इंसान का वो जमर खान हमारे एहसास को मजबूर क्यों करते हैं? जमर खान आपका पार्लियामेंट लीडर है, मुझे क्या पता कि आपको एतमाद में नहीं लिया, आप उससे पूछे। नहीं मैं इनके साथ, तो आप रूल में है तो काम ज्यादा कर लो फिर। क्या मैं नहीं है तो फिर क्यों तहरीक किया? जनाब स्पीकर मैं इनको भी उन्होंने मौका दिया। जनाब स्पीकर मैं एक बात कर लूं, ज्यादा के लिए दिया, मेरे एक अर्ज सुन ले जनाब स्पीकर। देखो जबर खान आपने सुना नहीं, मैंने कहा क्या असल हालत में मंजूर किया जाए जिसमें अजगर खान ने हाथ खड़ा नहीं किया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। जनाब स्पीकर मैंने अजगर खान की उसको वोट नहीं किया, उसका तो खतर सुन ले जनाब स्पीकर। यहाँ पे बहुत सारी मिसिंग प्रोजेक्ट्स है इस बजट में, जिस पर हमारी बात हुई थी अपोजिशन के दोस्तों से भी, हमारे अपने दरमियान भी, तो कम अज कम फिर हम सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट में इसमें इजाफे के लिए हमारे साथ ताउन किया जाए। हमारे साथ नहीं है, पूरे सूबे के साथ, इस पूरे पोर्स के साथ ताउन कर ले। कैबिनेट के जरिए हो सकता है, किस जिस भी जरिए से हो सकता है, फिर उस क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जी। तो आप तरीन के साथ कमिटमेंट कैसे किया? क्या मसला किसके साथ? नहीं, जी तहरीक को असल हालत में मंजूर किया यहाँ पे न कर ले, लेकिन कम अज कम फिर कैबिनेट के फ्लोर पे इसमें इस बजट में इजाफे के लिए कोई तरीके का रोजा किया जाए। तहरीक को मतलूबा अक्सरियत हासिल हुआ, तहरीक मंजूर हुई असल हालत में। जमरो खान सुनता नहीं, मुफ्त है मेरे ऊपर सुनते नहीं हो। ये बातें जमर खान, ये अपना जज्बातपन अपने पास रखो और अपनी पार्लियामेंट लीडर से पूछो। मैं नहीं, मुझे जो तहरीक आपने नहीं उसमें बिल्कुल आपकी बात आपकी पॉइंट में कोई गलती नहीं है। मलिक नहीं हो आप? देखिए इसमें उन्होंने सुना नहीं, मैंने कहा असल हालत में मंजूर किया जाए, अक्सरियत हासिल हो गया, तो अभी जहूर साहब को मुबारक हो कि मंजूर हो गया, मेरा क्या